हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है कुछ और एग्जांपल देखते हैं पाइथन स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए, और ये भी देखते हैं कि उनका हमको क्या आउटपुट मिलेगा। तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद फॉलोइंग सेट ऑफ एग्जांपल। ठीक है, अब सेट ऑफ एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे? आपने लिखा कि अज्यूम दिस इंस्टॉलेशन, अज्यूम दिस इनिशियलाइजेशन। ठीक है, ये कैसा इनिशियलाइजेशन होगा? मान लीजिए हमने लिखा नेम इज इक्वल टू पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? मान लीजिए इसको हम एक टेबल से आपको बना के एक्सप्लेन करते हैं। सपोज कीजिए पहला कॉलम तो हो गया कि हमारा आईडी, जो सेकेंड कॉलम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोग्राम को, दैट इज प्रोग्राम, और जो थर्ड कॉलम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आउटपुट को। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने लिखा प्रिंट नेम 0, नेम 7, लेन नेम। प्रिंट लेन, यहाँ हमने लिखा नेम। तो देखिए जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो ये आ जाएगा आपका पी पी, और ये आ गया 18। अब उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट, मान लीजिए आपने ये लिखा नेम, यहाँ आपने लिखा 0, यानी पहला एलिमेंट, ये इज इक्वल टू, आपने स्ट्रिंग दे दिया कोट्स में सी, तो ये गलत हो जाएगा। दिस विल गिव सिंटैक्स एरर। अब आ जाइए थर्ड स्टेप पे, थर्ड यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट नेम -1 कॉमा नेम -11, फिर नेम लेंथ, ये हो गया नेम। ठीक है, तो जब आप इस तरह का स्टेटमेंट देंगे तो आपके पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा जी पी पी। ठीक, फिर फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, आपने लिखा फर्स्ट इक्वल टू नेम 1:5, आपने लिखा फर्स्ट इज इक्वल टू नेम 1.5। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका मतलब? और सेकंड में हमने क्या लिखा? सेकंड में हमने लिखा सेकंड ये आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा जब आप आउटपुट निकालेंगे फोर्थ स्टेटमेंट का, यहाँ लिखा आपने प्रिंट फर्स्ट
सेकेंड सेपरेट इक्वल टू बॉक्स क्लोज्ड। तो इसका जो आउटपुट आएगा, यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा, ये नेम 1 to 5 करेंगे तो 1 to 5 से प्रिंट तक इसका आउटपुट आ जाएगा ईथो प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट जो हम देखें, तो ये तो हो गया आपका, जब आप ये स्टेटमेंट देंगे इस तरह से, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट हम ले लेते हैं, उसमें क्या होगा देखिए। फिर हमने यहाँ पे टेबल बना दिया प्रोग्राम, तो आईडी देखिए, आईडी नंबर 5 में, आईडी 5 में हमने लिखा फर्स्ट इक्वल टू नेम, सिक्स फिर सेकंड इक्वल टू हमने लिखा, सेकंड इक्वल टू हो गया नेम 7। ठीक है, उसके बाद प्रिंट फर्स्ट सेकंड और सेपरेशन इक्वल टू दिया गया। यहाँ हो जाएगा नेम इक्वल टू सेकंड प्लस प्लस, ये हो गया डबल कोट्स और प्लस फर्स्ट, और ये हो जाएगा आपका प्रिंट नेम। इस तरह से ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जो आउटपुट आएगा हमारा यहाँ पे, एक तो ये आ गया आपका पाइथन कॉमा प्रोग्रामिंग, और दूसरा यहाँ पे जो स्टेटमेंट आएगा, यहाँ पे आएगा प्रोग्रामिंग पाइथन। उसके बाद जो लास्ट एक स्टेटमेंट रह जाता है, वो भी आप देख लीजिए कैसे हम देख सकते हैं। लास्ट स्टेटमेंट आ गया आपका प्रिंट नेम 1:2, तो हमने लिखा 6, यहाँ हमने लिखा प्रिंट नेम 1:2। इसका जो आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट यहाँ पे आएगा YHN और इधर आ जाएगा फॉर्मिंग।
ठीक है, तो इस तरह से पाइथन लैंग्वेज के अंदर आप किसी भी सॉर्ट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करने का, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रीअरेंज करने का प्रोग्राम बना सकते हैं। अब देखिए इस प्रोग्राम में क्या चीज़ ध्यान देने वाली है, वो ये चीज़ है कि सबसे पहले हम बात करते हैं द फर्स्ट प्रोग्राम विद आईडी वन इंडेक्सेस इन टू द स्ट्रिंग नेम, यानी जो पहला प्रोग्राम है आपका, ये देखिए स्ट्रिंग नेम में है, तो द फर्स्ट प्रोग्राम विद आईडी वन इंडेक्स इंडेक्सेस इन टू द स्ट्रिंग नेम एंड एक्सट्रैक्ट्स इंडिविजुअल करेक्टर विच आर एक्चुअली वन लेंथ स्ट्रिंग्स। इंडेक्सेस स्टार्ट विद जीरो, द नेम जीरो प्रिंट्स द फर्स्ट पी टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, दैट इज द नंबर ऑफ करेक्टर इन इट। लेन फंक्शन कैन बी यूज, द लास्ट लेटर इज एट इंडेक्स लेन नेम माइनस वन। तो इसमें जो लास्ट लेटर होगा उसको शो करने के लिए हम क्या करेंगे, नेम जीरो प्रिंट्स द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सिमिलरली टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग दैट इज द नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इन इट, एनी लेन फंक्शन कैन बी यूज, द लास्ट लेटर इज इंडेक्स इज लेन नेम माइनस वन। तो इसकी जो इसमें जो लेंथ फंक्शन होता है LEN, ये जो फंक्शन होता है ये यूज होता है इन्हीं दो नंबरों के बीच का डिस्टेंस बताने के लिए। अब इसमें ये तो हो गया प्रोग्राम आईडी का काम। प्रोग्राम आईडी टू में आइए, तो प्रोग्राम आईडी टू ट्राइज टू मॉडिफाई द स्ट्रिंग बाय राइटिंग टू नेम जीरो। इंसिडेंटली दिस इज डिसअलाउड इन पाइथन, सच स्ट्रिंग्स आर कॉल्ड इम्यूटेबल। इफ वी वॉन्ट टू मॉडिफाई ए सिग्नल वी नीड टू असाइन द कंप्लीट स्ट्रिंग, दिस इज शोन इन द प्रोग्राम विद आई डी फाइव वेयर नेम इज रीअसाइंड टू ए डिफरेंट स्ट्रिंग। तो देखिए यहाँ पे प्रोग्राम फाइव में नाम को रीअरेंज कर दिया गया है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। इन ऑर्डर टू फाइंड द अब आईडी प्रोग्राम थ्री में देखिए क्या लिखा हुआ, लाइन नंबर थ्री, स्ट्रेंजली यूज निगेटिव इंडिसेस, पाइथन सपोर्ट्स निगेटिव इंडेक्सिंग हुज मीनिंग इज काउंटिंग बैकवर्ड, द नेम माइनस वन इंडेक्सेस द लास्ट करेक्टर सिंस द रिवर्स इंडेक्स स्टार्ट्स विद माइनस वन, द फर्स्ट लेटर विल बी एट इंडेक्स माइनस लेंथ नेम। तो रिवर्स ऑर्डर में जब आप काउंटिंग करेंगे तो जो स्ट्रिंग स्टार्ट होती है वो माइनस वन से होती है। उसके बाद लाइन नंबर फोर क्या करता है, द प्रोग्राम विद आईडी फोर एक्सट्रैक्ट्स सब स्ट्रिंग, दिस कैन बी डन बाय स्पेसिफाइंग द इंडेक्स रेंज एक्स वाई वेयर ऑल द कैरेक्टर स्टार्टिंग विद इंडेक्स एक्स ऑल द वे अप टू नॉट इंक्लूडिंग वाई फ्रॉम द सब स्ट्रिंग, द नेम वन कॉलन फाइव इंडिकेट्स नेम वन नेम टू नेम थ्री एंड नेम फोर, इट डज नॉट इंक्लूड नेम फाइव, वी कैन एक्सटेंड द सेकेंड वर्ड विद द नेम सेवन कॉलन लेन नेम विच प्रिंट्स प्रोग्रामिंग, नोट अगेन दैट द लेन नेम इज एन इंडेक्स ऑन वन पास द लेटर्स इंडेक्स। तो इसमें जो पास होता है वो एक लेटर इंडेक्स होता है, ठीक है। इट डज नॉट इंक्लूड नेम फाइव, वी कैन एक्सटेंड द सेकेंड वार विद नेम सेवन लेन नेम विच प्रिंट द प्रोग्रामिंग नोट, नॉट अगेन दैट लेन नेम इज एन इंडेक्स वन पास द लास्ट लेटर्स इंडेक्स। उसके बाद लाइन नंबर फाइव में जो दिया हुआ है, द प्रोग्राम विद आई डी फाइव एक्सट्रैक्ट्स द टू वर्ड्स फ्रॉम नेम नॉट स्पेसिफाइंग द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द रेंज डिफॉल्ट टू जीरो वाइल नॉट स्पेसिफाइंग द सेकेंड इंडेक्स defaults to the length of the string. The last program with ID 6 prints letter at odd indices. It starts from index 1, goes up to the end of the string and increments the index by 1. तो इस तरह से आप कुछ और प्रोग्राम बना सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। इसका हमने आपको स्टेटमेंट्स की एग्जांपल और उनका क्या
ऑपरेशन होगा वो भी समझा दिया। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको टाइम से मिलते रहे। थैंक यू।